अगली खबर जो बड़ी खबर है, बोकारो के बेरमो से प्रिंस खान के 5 गुर्गे गिरफ्तार किए गए हैं। प्रिंस खान पर भी पुलिस का शिकंजा, एक तरफ एनआईए ने अमन साव पर शिकंजा कसा, दूसरी तरफ प्रिंस खान पर शिकंजा है। 5 गुर्गों को गिरफ्तार किया गया है, फायरिंग रंगदारी समेत कई अन्य मामलों के आरोपी हैं। बेरमो से गिरफ्तारी हुई है, वसूली करने का आरोप है बेरमो से। फायरिंग कर व्यवसायियों को डराने का भी आरोप लगा है और इसी बहाने वसूली करते हैं ये प्रिंस खान के गुर्गे। न्यूज 11 भारत की स्क्रीन पर आप तस्वीरें देख सकते हैं। प्रिंस खान के गुर्गों की गिरफ्तारी की गई है। प्रिंस खान ने हाल के दिनों में बोकारो में कई व्यवसायियों को धमकाया है, जेवर व्यवसायी से लेकर जमीन व्यवसायी तक में दहशत फैलाने की प्रिंस खान की साजिश को, एक बड़ी साजिश को पुलिस ने कुछ हद तक नाकाम कर दिया है। जो कि 17/5/22 को मोती लंका दिवस में हुए थे, साथ ही 12/6/24 को जो कि ज्ञान दिवस पर हुए थे। इस दोनों आरोप, दोनों घटनाओं में शामिल जो हमारे जो रेकी करने वाले थे, जो कांड को अंजाम देने वाले थे और जिनके इशारे पे ये कांड की गई, पूरे मामले का उन्होंने डिटेक्शन किया है और साथ ही इसमें जो लोग थे उसकी अरेस्टिंग हुई है। जिस हथियार से फायरिंग की बरामद की गई है, जिस मोटरसाइकिल इस्तेमाल किया गया था वो बरामद की गई है। सीसीटीवी फुटेज और इन लोग कन्फेशन के आधार पे इन लोगों ने पुष्टि भी कर ली है कि इन अपने रहनुमा जो इनके सरगना है प्रिंस खान जो कि कहीं बाहर बैठा हुआ है उसके माध्यम से ये लोग कॉन्टेक्ट में थे। और इस कांड में 5 लोगों की अरेस्टिंग हुई है, जिसमें कि बिट्टू सुनार जो कि अभी यहाँ पे रखे धनबाद बोकारो में प्रिंस खान गैंग का मेन कंस्पिरेटर है। लोगों को जोड़ना, लोगों को हटाना, पैसे पहुंचाना, हथियार पहुंचाना, फिर लोगों को शिफ्ट करवाना, पूरा हैंडलर यही था। अभी आपने सुना बोकारो के डीआईजी, बोकारो धनबाद के डीआईजी सुरेंद्र झा को, सुरेंद्र झा के निर्देश में गिरफ्तारी हुई है, नेतृत्व किया है पुलिस टीम का। सुरेंद्र झा एसपी भी रहे हैं धनबाद के और काफी सख्त एसपी माने जाते हैं। रुक करते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी बोकारो से सुरेंद्र जुड़ रहे हैं। सुरेंद्र, बड़ी कामयाबी मिली है, प्रिंस खान के 5 गुर्गे गिरफ्तार किए गए हैं बोकारो में, धनबाद के बाद अब धीरे धीरे बोकारो में प्रिंस खान अपना जाल करीब करीब फैला चुका है। पहले जमीन व्यवसायी को धमकी, फिर जेवर व्यवसायियों को धमकी, बाकायदा फायरिंग भी हुई है। बेरमो से गिरफ्तारी की गई है प्रिंस खान की, काफी छोटी सी जगह है और बड़े नामचीन चर्चित लोग भी वहां रहते हैं। देखिए, जिस तरह से अभिषेक, बोकारो पुलिस ने कामयाबी हासिल की है, वाकई सारी बच्चों की जिस तरह से लगातार धनबाद के बाद बोकारो और बेरमो प्रिंस खान के कुछ द्वारा रंगदारी मांगी जाती थी, व्यवसायियों को तंग किया जाता था, तो इसके जहाँ है डीआईजी के नेतृत्व में एक सैनिक टीम बनाया गया जिसके चारों एसपी एस के कर रहे थे और उसके बाद लगातार छापेमारी की गई और 2 लोगों को बिहार से किया गया है तो 3 लोगों को धनबाद से। हम बता दें कि जिस तरह से पुलिस कार्रवाई कर रही थी, लगातार लोगों की पूछताछ की गई, 10 से 12 लोगों को उठाया गया था पूछताछ के क्रम में, सभी को पता चला तो जाकर पकड़ा गया। लेकिन जिस तरह से सबसे बड़ी बात सामने आ रही है कि हथियार से कुछ चलाया गया तो वो हथियार भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। जिस मोटरसाइकिल से रेकी की गई थी, मोटरसाइकिल पर सवार अपराधी आया तो उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके पास से कुछ 25,910 रुपए बरामद किए हैं, 5 मोबाइल बरामद हुआ है और अन्य चीजें भी बरामद हुई है। लेकिन जिस तरह से एसपी था जो डीआईजी को, उन्होंने साफ तौर से कहा कि काम को पकड़ने के लिए जिस तरह से मुस्तैद है, जिस तरह से उन्होंने बताया कि इंटरपोल को सूचना दे दी गई है तो पासपोर्ट नोटिस जारी कर दिया गया है और हम कहें तो जिस तरह से पासपोर्ट जब्त की भी बात कही जा रही है, झारखंड सरकार के माध्यम से जनरल को भी भेजा जा चुका है ताकि आगे की कार्रवाई की जा सके। बातों बातों में एसपी झा ने साफ तौर से कहा कि जो किसान है देश के बाहर आ रहा है और देश के बाहर कार्रवाई करने के लिए काफी चीजों को कागजी कार्रवाई की जाती है और बहुत जल्द किसान हमारे कब्जे में होगा। लेकिन हम कह सकते हैं कि जिस तरह से किसान भूखे बनाता है, जिस तरह से नए लड़कों को जोड़ता है, क्योंकि अगर ये चले जाते हैं तो दूसरा इंटरचेंज तैयार हो जाता है और रंगदारी मांगने की कवायद कर दी जाती है। अब ये देखना हो कि जो इतनी बड़ी कार्रवाई हुई है उसके बाद यह जो किसान का गैंग है जो मीटर के नाम से रंगदारी मांगी जाती है उसका इस पर अंकुश लगाया जा सकता है। लेकिन लगातार अनुसंधान अभी भी चल रहा है। बोकारो के धनबाद के डीआईजी विधान है, उन्होंने साफ रूप से कहा है कि हम प्रिंस खान को बहुत जल्द अपनी गिरफ्त में लेकर आएंगे और हम भी करेंगे। तो इनका जिस तरह से कहने का अंदाज था हमें लग रहा है कि किस तरह से लाभ मिला है। हालांकि इस तरह से प्रिंस खान के दुर्गे जो प्रिंस खान है अपने लोगों को वीपीएन के माध्यम से
मैसेज मिलता था। और जो अगर हम बात करें जो व्यवसायियों का नंबर की अगर बात करें तो वहां के नुक्कड़ नुक्कड़ से नंबर मिलता था, उसके बाद इस तरह के रेखी कर व्यवसायियों से जानकारी मांगी जाती थी, जानकारी फोन के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से, ऑडियो कॉल के माध्यम से मांगी जाती थी। और जिस तरह से व्यवसाय जो थे डरे हुए थे उन पर भी हटा होगा था थोड़ा सा जो थे शंका हुआ कि आप कार्रवाई किए फिर अभिषेक। बिल्कुल सुरेंद्र, निश्चित तौर पर जिस तरीके से दहशत फैलाई जा रही है, प्रिंस खान फरार है, बाकायदा इंटरपोल से भी संपर्क किया गया है, देश छोड़ जाने की बात है, उसके घर की कुर्की जब्ती भी कराई गई है, कई बार गिरफ्तारी होती है उसके गुर्गों की, लेकिन प्रिंस खान से संबंधित पुलिस को कोई जानकारियां कोई सूचना नहीं मिल पाती। पुलिस प्रिंस खान के पीछे पड़ी हुई है, कई देशों में भी पुलिस ने संपर्क किया है, लेकिन इस तरह से प्रिंस खान लगातार माध्यम से लोगों को डराने धमकाने और पुलिस के खिलाफ पिछली बार उसने बोला है, लेकिन इस तरह से पुलिस जो कार्रवाई है लगातार खान जब में नहीं आ रहा है। हम कह सकते हैं जो प्रिंस खान जिस तरह से काम कर रहा है स्तर बना हुआ है, लेकिन आज जिस तरह से बोकारो धनबाद के डीआईजी सिन्हा ने कहा है कि हमें जानकारी मिल गई है और बहुत जल्द हमारा जब में खान होगा, क्योंकि इस तरह से उन्होंने बताया कि जिस तरह से वीडियो से बात माध्यम से इनके द्वारा बात किया जा रहा था, उनको मिले हैं, माध्यम मिला है, उनको मिले हैं, इन सभी से के माध्यम से प्रिंस खान तक पहुंचना इनके लिए आसान है। इसी को लेकर उन्होंने साफ तौर से कहा कि सर की ओर से कार्रवाई की जा रही है, पर कार्रवाई की जाएगी। एक उन्होंने बताया कि इस तरह से सत्यार्पण किया जाता है जो बाहर के देशों में अगर पुलिस गिरफ्तार करके किया जाए, दोस्त बताया गया है अगर वो पुलिस गिरफ्तार करके तो वहां के माध्यम से मीडिया में उसे लाया जा सकता है। तो जिस तरह से 91 कंट्रियों में 91 कंट्री में माध्यम से वेबसाइट पर प्रिंस खान का फोन मीडिया के साथ साथ सारे डिटेल डाले गए हैं कि अगर वो कहीं भी दिखता है तो वहां के पुलिस है उसे गिरफ्तार कर जो इंडिया के पुलिस को है आत्मसमर्पण करने की बात कही है उन्होंने। अब देखना यह होगा कि प्रिंस खान कब पुलिस के गिरफ्त में होता है। जी बिल्कुल सुरेंद्र, ये देखना होगा कि प्रिंस खान आखिर कब तक पुलिस की गिरफ्त में आता है। बहुत धन्यवाद सुरेंद्र आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।